हाय दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्शन थ्योरी जिसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग का चल रहा था ठीक है प्रोडक्शन फंक्शन रिकैप कर लेते हैं हम लोग तो प्रोडक्शन फंक्शन क्यों क्या था क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ एलोन एल एंड के लेबर और कैपिटल का फंक्शन था ओके और ये क्या करता था एल और के वेरिएबल है अगर के फिक्स्ड है और एल वेरिएबल है तो क्यों क्या होता था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इफ़ एल एंड के बोथ आर वेरिएबल देन क्यू इज़ द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देख लिए थे और प्रोडक्शन फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन का दोनों अगर एक साथ स्टडी करते हैं तो आपका क्या था प्रोडक्शन फंक्शन मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट को और मैक्सिमाइजेशन ऑफ़ यूटिलिटी कौन करता है कंजम्पशन फंक्शन ओके और ये हो गया आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे तो क्या होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा ठीक है तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन क्या करता था प्रोड्यूस गुड टू हैप्पीनेस हैप्पीनेस में बदलता था यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है तो यहाँ पे क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन फंक्शन में ओके okay? तो हम लोग शॉर्ट रन देख लिए थे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पे Q लेबर और कैपिटल फंक्शन उसका फंक्शन है Q इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड K जो है कैपिटल जो है वो फिक्स है सो so, प्रोड्यूसर को केवल क्या सोचना होगा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ के ऑप्टिमाइजेशन ऑफ L क्योंकि कैपिटल मशीन उसका फिक्स है और एम पी एल क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओके जो कि क्या होता है डेल क्यू अपॉन डेल एल ठीक है डेल क्यू अपॉन डेल एल मतलब चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू यूनिट चेंज इन लेबर यूनिट चेंज इन लेबर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाते हैं तो क्वांटिटी में प्रोडक्शन में कितना चेंज होता है और हम बताते हैं कि स्मॉल क्यू जो है वो हमेशा क्या बताता है प्रोडक्शन को बताता है और बड़ा वाला जो क्यू है वो क्या बताएगा वो मार्केट डिमांड को बताता है बड़ा वाला क्यू ओके हम लोग नेक्स्ट इसको देखते हैं हैव टू फोकस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर तो हम लोग का जो सेकेंड वाला होगा सेकेंड वाला जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा तो यहाँ पे सेकेंड वाला में हम लोग देखेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो जाएगा कभी भी जो क्यू देखते हैं वो क्या होता है रूट अंडर के इंटू एल लेबर और कैपिटल का प्रोडक्टिविटी जो है उसका स्क्वायर रूट होता है प्रोडक्शन फंक्शन ठीक है प्रोडक्टिविटी उसके बाद फिर क्या देखते हैं यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया एल हो गया और ये क्या हो गया कैपिटल हो गया ठीक है इंडिफरेंस कर्व के तरह ही है ये वन प्रोडक्शन फंक्शन भी कट नहीं करता है किस तरह से इंडिफरेंस कर्व ये क्रॉस नहीं करता था हायर इंडिफरेंस कर्व शो करता था क्या ये ये हायर लेवल ऑफ सेटिसफेक्सन प्रोडक्शन फंक्शन भी ठीक उसी तरह से करता है हर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो हायर प्रोडक्शन ये आइसो पे रहे ठीक है वहाँ पे क्या बोलते थे वहाँ पे ये जिसे कंज्यूमर वाला में भी होता था इंडिफरेंस कर यहाँ पे क्या होता है आइसो होता है ठीक है तो ये क्या है आइसो क्वांट आइसो है ठीक है ये वन टू एंड थ्री चाहता है कंज्यूमर ये प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि हायर आइसो क्वांट पे रहे ठीक है और क्यू रूट अंडर एल इन टू के ओके ये हो गया आपका फिर अगर इसको हम देखते रहे तो कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे साथ साथ तो अब यहीं पे साथ में ही करते हैं यहाँ पे ये हो गया आपका इसको ऊपर कर लेते हैं ये हो गया आपका हम्म तो हाँ तो क्या था ये जहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन बताता है एल इन टू के तो यूटिलिटी क्या बताता है उधर बताता था यूटिलिटी यूटिलिटी और ये क्या था कोई भी गुड्स ले लीजिए एक्स और वाई पे जो ले रहे थे तो मान लीजिए कि पिज्जा है और कुकीज़ है तो क्या होता था गुड एक्स और गुड वाई इसको हम लिख देते हैं गुड एक्स और इसको गुड वाई मतलब यूटिलिटी आपको एक्स से जो मिला गुड एक्स से और गुड वाई से यहाँ भी क्या है जो प्रोडक्टिविटी आपको मिला लेबर से और जो प्रोडक्टिव मिल, प्रोडक्टिविटी मिला कैपिटल से कैपिटल से तो इस दोनों का हम लोग क्या देखें दोनों सिमिलर चल रहा है कि नहीं वहाँ पे आइसो ये यहाँ पे आइसो क्वांट हो रहा है और वहाँ पे क्या होता था इंडिफरेंस कर्व होता था इंडिफरेंस मतलब हर लेवल पे कंज्यूमर क्या होगा सेम लेवल ऑफ सेटिसफेक्शन पे रहेगा कहीं भी वहाँ भी था हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन यहाँ पे क्या है हायर द आइसो हायर विल बी द क्या है वांट्स टू प्रोड्यूस कंज्यूमर कहाँ चाहेगा हमेशा थर्ड पे रहने के लिए ओके तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्शन फंक्शन का किससे करते हैं रिप्रेजेंटेड बाई आइसोक ठीक है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन बाई आइसू क्वांट आइसू क्वान्ट कर्ब और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या था कंजम्पशन का क्या करते थे वहां से तो इंडिफरेंस कर्व इन डिफ्रेंस कर आई ओके आई और आई दोनों साथ चल रहा है कि नहीं दोनों साथ चल रहा है ठीक है तो हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे उसके बाद फिर क्या है हम यहाँ पे देखेंगे कि अस्मॉल क्यू इसको नोट कर लीजिएगा हमेशा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में यही होगा इस्मोल क्यू जो होगा वो क्या होगा फर्म का प्रोडक्शन फर्म का प्रोडक्शन फर्म्स प्रोडक्शन तो कैपिटल क्यू भी कुछ रहता होगा कैपिटल क्यू क्या है मार्केट प्रोडक्शन मार्केट प्रोडक्शन प्रो मार्केट प्रोडक्शन मतलब ढेर सारा फर्म को अच्छा मार्केट प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं सिंपली ऑरिजेंटल हम कर देते हैं तो क्या निकल जाता है मार्केट प्रोडक्शन सारा फर्म है उसका ओरिजेंटली जोड़ दिए तो क्या हो गया मार्केट प्रोडक्शन और जितना भी एजेंस है ऑल द एजमस ऑफ ऑल द एसमस ऑफ आइसो क्वांट आइसो क्वांट आर सेम इज दैट ऑफ इज दैट ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो वहां पे था वही यहाँ पे है। ठीक है स्लोप ऑफ अब यहाँ भी देखते हैं हम लोग चूंकि वहां भी स्लोप हम लोग देखते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीच्यूशन देता था तो यहाँ भी कुछ देना चाहिए तो क्या देखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ आइसो क्वांट क्या देगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या देगा एम आर टी एस और ये क्या है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टी सब्सटीट्यूशन और ये क्या देता था स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का स्लोप ऑफ आईसी क्या देता था एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सब्सटी दोस्तों सेम है कि नहीं जैसे जैसे देख रहे थे सब शुरू से ही सेम है देखिए तो यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहा है वहाँ मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे हो रहा है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट वहाँ पे क्या हो क्या कन्वर्ट कर रहा है वहाँ पे तो गुड्स को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर रहा है ये इंडिफरेंस कर ये ये कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है सब सेम सेम चल रहा है यहाँ पे क्या था Q Q क्या था रूट अंडर के इंटू एल यहाँ पर क्या है यूटिलिटी का गुड एक्स इंटू गुड वाई अंडर यहाँ पिज्जा और कुकीज़ मान लिए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसो क्वान्ट जो है ये आइसो क्वान से इसका करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन का यहाँ पे क्या है इंडिफरेंस कर्व से करते हैं स्लोप ऑफ आई क्यू जो होगा वो क्या देता है एम आर टी एस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन और स्लोप ऑफ आईसी क्या देता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिडी दोनों सेम सेम चल रहा है कि नहीं तो मार्जिनल रेट ऑफ तो एम आर टी एस होता क्या है एम आर टी एस चूंकि साथ साथ हम लोग देखेंगे ठीक है तो इसीलिए इधर हम लोग नहीं लिखेंगे हम लोग यहीं पे लिखेंगे एम आर टी एस क्या होगा तो डेल के अपॉन डेल एल और एल कहाँ था दोस्तों एक्सिस पे के था वाई पे वहाँ भी क्या होगा वहाँ भी इसी तरह से होता था तो यहाँ पे एम आर टी एस और वहाँ पे एम आर एस एम आर एस तो वहाँ पे क्या एम आर एफ नहीं टायर नहीं है ठीक है एम आर एस तो क्या होता था अब उसका अलग अलग गुड्स का तो क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी डी सी का और पिज्जा का पिज्जा अपॉन कुकीज और पिज्जा कहाँ होगा तो वाई एक्सिस पे होगा और कुकीज कहाँ होगा एक्स एक्सिस पे होगा चलिए बना लेते हैं इन डिफरेंस कर वाला भी ये हो गया आपका ये हो गया ये क्या है पिज्जा है और ये क्या है कुकीज है और ये क्या है इंडिफ्रेंस कर्व वन इंडिफरेंस कर्व कर टू आई सी वन आई सी टू आईसी थ्री ओके अब हमको निकालना है एम आर एस मार्जिन क्या करते थे स्लोप यहाँ से जाइए इस तरह से इसका स्लोप हायर स्लोप हो रहा है कि नहीं देखिए तो इसका स्लोप हायर हो रहा है स्लोप तो यही आपका सारा ये क्या दे रहा है एम आर एस और सारा ये क्या है डी पी अपोन डी क्या सी पिज्जा अपॉन कुकीज यहाँ भी क्या था डेल के अपॉन डेल तो वाई एक्सिस पे जो है और एक्स एक्सिस पे और ये हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा क्यों निगेटिव होगा हमारे निगेटिव क्यों होगा भाई तो अगर ये देखिए तो एक घटेगा एक बढ़ेगा इधर अगर ये घटता है तो एक बढ़ेगा ये घटेगा तो फिर वो बढ़ेगा देखिए यहां से आ जाइए आप इस तरह से ये चलिए ये बढ़ रहा है देखिए y बढ़ा यहाँ पे तो दोनों बढ़ रहा है भाई क्योंकि यहाँ चेंज हो गया ये इस तरह से ठीक है यहाँ भी क्या हो गया इस तरह से लेकिन देखिए तो इस, इसमें कम इंक्रीमेंट हो रहा है ये घट रहा है बढ़ रहा है लेकिन उस रेट से नहीं और ये ज्यादा रेट से तो ये क्या होता है माइनस होता है देखेंगे अभी हम लोग अगर हम केवल इंडिफरेंस कर में देखें इस तरह से यहाँ से और यहाँ से तो हम लोग को हाँ तो क्या देख रहे थे हम लोग ये तो डी पी वाई डी सी यहाँ पे हो गया ठीक तो क्या हो जाएगा आपका ये लेट वन सेकेंड तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एम यू सी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कुकीज़ अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा ठीक है और यही क्या है आपका एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिडी ओके और ये क्यों था तो डी यू बाई डी सी डिफिनी ये ठीक है यहाँ पे एम आर टी एस में क्या होगा तो यहाँ पे होगा डेल के अपॉन डेल एल इज इक्वल टू यहाँ भी भी निगेटिव होगा एम पी एल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा क्यों तो चूँकि वहाँ पे डी से शुरू होता था क्या शुरू होता था डी यू बाई डी सी और उसके बाद फिर क्या डी पी बाई डी एल जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी यू वाई डी सी डी पी को फिर नीचे डी सी को भी क्या लिखेंगे डी यू वाई डी सी तो डी सी ऊपर चला जाएगा ठीक है तो इसीलिए क्या हो गया ये तो एम पी एल क्या हो गया यहां पे? एम पी एल तो माइनस एम पी एल अपॉन एम पी के एम पी के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा दूसरा घटेगा एक बढ़े। तो कोई भी होगा तो निगेटिव तो हो ही गया निगेटिव अपन पॉजिटिव या पॉजिटिव अपन निगेटिव निगेटिव भी हो ही होगा और यही आपका क्या है एम आर टी एस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिडी जो क्या है स्लोप ऑफ आइसोक्वांट ये स्लोप बताएगा आपका एम आर टी एस ये स्लोप बताएगा कोई जरूरी नहीं कहीं भी हो सकता है अलग अलग जगह पे हो सकता है यहाँ भी हो सकता है स्लोप उसका तो ये आपका जो बता रहा है वो क्या है एम आर टी एस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटी ट्यूशन किस रेट से जो है हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे लेबर और कैपिटल को इसी को ऑप्टिमाइज करना लॉन्ग रन में देख रहे हैं हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन तो यही हम लोग ऑप्टिमाइज कर आइसो क्वान्ट का डिफिनेशन आइसो, आयसो क्वांट का डिफरस क्या होगा तो इंडिफरेंस कर्व का क्या होता था टू तो गुड्स का ऑल दोज पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स वेर क्या है द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स क्या है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहां भी क्या होगा तो क्या हो जाएगा डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ क्या लेबर एंड कैपिटल एल एंड के डिफरेंस कंबिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट दैट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ आउट पुट जहां पर सेम यहाँ पे ये जो आइसो क्वांट है यहाँ पे सेम मान लीजिए फोर हंड्रेड यहाँ पे कोई भी गुड्स बन रहा है तो मान लीजिए कि हंड्रेड यूनिट बन रहा है यहाँ पे टू हंड्रेड बन रहा है और यहाँ पे थ्री हंड्रेड यूनिट बन रहा है तो क्या होगा पूरा कर्भ जो है सारा पे हंड्रेड यूनिट ही बनेगा इस पर टू हंड्रेड यूनिट ही और आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे और उसे एवरेज कॉस्ट क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है एमसी इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को बढ़ाने पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करता है इसलिए प्राइस उस समय बढ़ जाता है एक्सेस ऑफ डिमांड जहाँ होगा प्राइस बढ़ जाएगा उसके कारण से क्यों क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट में ठीक है तो आइसो क्या देखे हम लोग आइसो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल रखिए सारा पॉइंट कर्व पे ठीक है दैट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट जो हमेशा क्या करेगा सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट देगा उसको क्या बोलेंगे आइसो क्वांट चलिए देखा जाए जरा सा यहाँ पे और क्यू क्या है एल प्लस के दोनों का देखते थे प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइज करते थे और वही देता था ठीक है परफेक्टली सब्सटी सब्सटिट्यूएबल गुड का देखते हैं तो हम लोग ग्राफ देख रहे हैं अब लोग का ग्राफ शुरू हुआ ठीक है दोस्तों कॉपी तो है नहीं ये इसीलिए थोड़ा सा कॉपी जैसा ग्राफ नहीं बन रहा है प्रैक्टिस से हो जाएगा फिर जो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आ जाएगा ओके ये हो गया ये हो गया ठीक है ये हो गया परफॉर्मिंग बेटर ठीक है और ये क्या है परफेक्टली सब्सटीच्यूबल यूनिट है परफेक्ट सब्सटीच्यूट जिसका हो इनपुट्स ओके okay? ये आपका हो गया ठीक तो यहाँ पे क्या देखिए Q इज इक्वल टू क्या था K और L ठीक इसको दूसरे भाषा में X प्लस वाई भी कर सकते हैं आपका मन है X प्लस वाई जो मानने का है और यहाँ पे क्या होगा एम आर टी एस क्या होगा इसका एम आर टी एस जो परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का वो क्या होता है परफेक्ट वाला का कांस्टेंट होता है कांस्टेंट दिख रहा है कांस्टेंट यहां पे ठीक है नन जिसका सब्सटीट्यूट हो ही नहीं उसका क्या होगा सब्सटीट्यूट एकदम नहीं है उसका तो हम लोग क्या देखेंगे देखते हैं जरा सा इसको सब्स्टिट्यूट नहीं है नन सब्सटीट्यूट बल इनपुट तो इसमें क्या हो जाएगा तो यहाँ पे रुकिए परफेक्टली सब्सिट्यूट ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट्री हम लोग देखते थे ना कंप्लीमेंट्री गुड्स वहाँ पे देखते थे मतलब अगर कार खरीदे हैं तो पेट्रोल का हमें ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा और उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है हाँ इन लॉन्ग रन में हो सकता है उस समय कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो सब्सटीट्यूट हो जाएगा कहाँ पे जाएंगे हम लोग तो सोलर ये रीन्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी में व्यक्ति क्या करेगा कंज्यूमर लेकिन वो वेरी लॉन्ग वेरी लॉन्ग टर्म में ये ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या है एम क्या होगा इसका एम क्या होता है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसका जो है वो कांस्टेंट होता है हमेशा एम क्या होता है कांस्टेंट परफेक्ट सब्सटीट्यूट इनपुट अगर होगा तो और नोट परफेक्ट सब्सटीट्यूट इनपुट्स होगा तो एम क्या होगा माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी और जीरो तीनों चीज हो सकता है ठीक है आगे देखेंगे एक चार्ट से हम लोग देखेंगे आगे ठीक है और इसको लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको ऑल्सो कॉल्ड लियोनटिफ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा हम लोग को लियोनटिफ, लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन ओके किसके लिए परफेक्टली ये अब ये इसका क्या क्या होगा इनपुट वेर यू कांट प्रोड्यूस मोर यूनिट तो परफेक्टली नॉन सब्सटीट्यूट किसको बोलेंगे जो हम लोग देखे थे परफेक्टली नॉन सब्सटीट्यूट फेक्टली नॉन सब्सटी सब्सटीट्यूटेबल इनपुट्स इनपुट्स किसको बोलेंगे ठीक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं वी कांट प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ठीक है इनपुट्स वेयर इनपुट्स कान्ट प्रोड्यूस प्रोड्यूस वन मोर यूनिट वन मोर यूनिट एक और एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं ठीक है विदाउट वन ऑफ इच्च इनपुट विदाउट वन ऑफ इच इनपुट तो हम क्या कर सकते हैं जिसका एक्स्ट्रा यूनिट नहीं इसे हमको कार बनाना हो तो हम क्या करेंगे उसका जो कोई दो पार्ट्स होगा उसको बिना प्रोड्यूस किए हुए हम लोग नहीं बना सकते हैं या अगर लेबर कैपिटल ले रहे हैं तो बिना दोनों को लगाए हुए किसी एक को बढ़ाने या घटाने से नहीं होगा तो क्या होगा परफेक्टली नन सबेबल यूनिट्स ओके आइसो क्वान टेन एम बोले थे बताएंगे इसको तो चलिए देखा जाए आईसो क्वान्टेंट एम आर टी एस उसका जो आइसो क्वांट का जो क्या था टेंजेंसी होगा वो क्या देगा एम आर टी एस ये अच्छा बन रहा है और यहाँ से हम लोग यहाँ चले ठीक है फिर यहाँ से हम लोग कहाँ चले थोड़ा सही हो गया को ओहो उल्टा करते हैं इस बार ये ठीक है ये हो गया आपका ठीक अब ये क्या हो गया माइनस टू यूनिट और प्लस वन यूनिट माइनस वन यूनिट और इधर प्लस टू यूनिट ठीक है ये हो गया आपका यहाँ पे आपका है वन टू प्लस टू यूनिट है मतलब यहाँ पे क्या होगा फोर ओके थ्री यहां पे क्या है वन टू एंड यहां पे क्या होगा अगेन फोर ओके ये क्या है कैपिटल कैपिटल को हम लोग इतना टू यूनिट से घटाते हैं तो उसके लिए सब्सिट्यूट क्या करना पड़ता है वन यूनिट लेबर हमको लगाना पड़ता है मतलब यहाँ पे क्या है बेनिफिशियल है वन यूनिट लेबर लगा करके अब डिपेंड करेगा कि लेबर का क्या ये इक्वेशन क्या है लेबर मान लीजिए कि फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेबर का क्या होगा वेज होगा तो फाइव डॉलर मान लीजिए है और कैपिटल का जो है वो टेन डॉलर है और इसका क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या कैपिटल क्या देना पड़ेगा कैपिटल के बदले हमको इंटरेस्ट इंटरेस्ट और यहाँ क्या देना पड़ेगा लेबर के बदले में लेबर को क्या देते हैं वेज देते हैं ठीक है और यहाँ पे ये अब आप देखिए तो यहाँ पे वन फोर है मतलब वन कैपिटल लगाए हैं और ये फोर कैपिटल है और वन क्या है लेबर है यहां पे हमारा क्या हो गया यहां पे क्या हो गया टू कॉमा टू मतलब टू कैपिटल है टू यूनिट ऑफ कैपिटल एंड टू यूनिट ऑफ लेबर है और यहां पे क्या है आपका वन यूनिट ऑफ लेबर मतलब टू और वन ठीक है हम लोग ये देखें ठीक है वन वर्कर सब्स्टिट्यूट टू मोर मशीन यहाँ पे क्या हो रहा है अगर इसी बात को हम यहाँ पे कहें तो क्या बोलेंगे हम वन वर्कर वन वर्कर सब्सटीट्यूट सब्सटी टू यूनिट ऑफ कैपिटल टू यूनिट्स ऑफ कैपिटल यही हुआ टू यूनिट्स ऑफ कैपिटल सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर हमको लगेगा उसी तरह से यहाँ अगर वन यूनिट ऑफ कैपिटल अगर हम लगाते हैं तो टू मोर यूनिट ऑफ लेबर हमको लगाना पड़ेगा उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए अब ज़रा देखिए तो इसका वेज फाइव डॉलर है लेबर का तो फाइव डॉलर लगा करके हम कितना कर सकते हैं सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ट्वेंटी डॉलर को है कि नहीं तो फिफ्टीन डॉलर का हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं प्रोड्यूसर को टू को सब्सटीट्यूट किए तो टू इंटू टेन डॉलर ट्वेंटी डॉलर और हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ा वन लेबर मतलब फाइव डॉलर ठीक है तो अब उसको मार्जिनल प्रॉफिट कितना हो गया इसी में से मार्जिनल प्रॉफिट कितना हो गया तो ट्वेंटी डॉलर माइनस फाइव मतलब यहाँ पे केवल उसको अरेंज करके फिफ्टीन डॉलर का उसको क्या हो जा रहा है बेनिफिट हो जा रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा बनाने में प्रोडक्शन का घट गया तो मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा बढ़ जाएगा यहाँ पे ये यही आइसो क्वांट है ओके और एम आर टी एस यहाँ पे क्या हो जाएगा एम आर टी एस क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस वन को ये किया और यहाँ पे टू यूनिट आया तो माइनस वन बाई ओके टू वर्कर सब्स्टिट्यूट वन यहाँ पे एम आर टी एस क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस टू बाई वन तो इसको यहाँ लिखते हैं इस पॉइंट के लिए जो यहाँ पे आया वो एम आर टी एस क्या होगा माइनस टू बाई वन यानी माइनस टू ओके ठीक है डेल एल अब देखिए चेंज इन लेबर ठीक है इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्लस चेंज इन कैपिटल डेल के इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हमेशा क्या होगा जीरो हमेशा ऑलबेज डेल एल इंटू एम पी एल प्लस डेल के इंटू एम पी के इज इक्वल टू जीरो ऑल बेच ये हमेशा ध्यान रखना है एम आर टी एस क्या है एम आर टी एस का जरा सा लिखते हैं एम आर टी एस एम आर टी एस क्या है क्या है एम आर टी एस तो एम आर टी एस क्या हो जाएगा निगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इसको अगर लिखे लैंग्वेज में तो क्या हो जाएगा निगेटिव ऑफ द रेशियो रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ठीक है तो इसको अगर हम लिखें एम आर टी एस मैथमेटिकली तो क्या हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ठीक है ये और ये क्या है यही है चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर मतलब एम आर टी एस जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो क्या है डेल के अपॉन टेलर आइसो क्वांट में भी वही होता था आइसो क्वांट में क्या होता था गुड एक्स और गुड वाई यहाँ पे वाई यहाँ पे एक्स यहाँ पे जीरो और क्या करता था कितना सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो यही तो है यहाँ पे सेम सेम उसी तरह से यहाँ पे है ये इंडिफरेंस कर्व है और ये क्या है आइसो क्वांट है ठीक है ये आइसो क्वांट और ये क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व सेम सेम है उसी तरह से तो यहाँ पे क्या था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था और वो भी क्या होता था गुड बाई अपॉन गुड एक्स फाइनली वही होगा तो मार... क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई और यहाँ भी माइनस लगता था और यहाँ भी माइनस लग रहा है ओके okay? ठीक है